नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस समय हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर, जहां पर छात्र यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ जब सारी खोली जा रही हैं तो आखिर जामिया क्यों नहीं खोला जा रहा है। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं और हाथों में पैम्फलेट्स लेकर के, पोस्टर लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम छात्रों से बात करके उनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं रीस्टोर कर दिया गया है सारा मामला, सिर्फ ये शिक्षा संस्थान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जगह हैं जहाँ पर चीज़ें रीस्टोर होनी चाहिए एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, वो क्यों नहीं खोली जा रही हैं, क्या वजह है, ये समझ में बात नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहली इमीडिएट डिमांड ये है कि शिक्षा की जो क्षति हमारी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, अगर कि हमारा पूरा साल ज़ाया हो चुका है ऑलरेडी। तो अब जल्दी से जल्दी पॉसिबल यही था कि हमारे लिए एटलीस्ट जामिया कैंपस खोला जाए, लाइब्रेरीज़ खोली जाएँ ताकि स्टूडेंट फिर से पढ़ाई कर सकें। मैं और मेरे साथी यहाँ पे आज आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और इस डिमांड से कि जामिया वीसी जो है वो जल्द से जल्द कैंपस खोले, कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बाकी जितने भी एजुकेशनल पर्पसेस से कैंपस रिज्यूम कर सके, हम लोग लाइब्रेरी एक्सेस कर सके, कैंटीन एक्सेस कर सके, हॉस्टल्स खोले जाए और हमारा जो ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो शुरू किया जाए। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की यही मांग है कि यूनिवर्सिटी जो है एक साल हो गया है ऑलमोस्ट उसको बंद हुए हुए, और सबकी ये डिमांड है कि यूनिवर्सिटी जो है वो फेज़ वाइज धीरे धीरे खुलना जो है शुरू हो, कम से कम लाइब्रेरी तो खुले ही और जो फाइनल ईयर के क्लासेस है जिनके लैब्स है वो खुले, क्योंकि एक साल से ऑलमोस्ट आप देखिए तो पढ़ाई होल्ड पे आ गई है बच्चों की। हमारे यहाँ पर एक बेसिक सी मांग है कि कैंपस को रीओपन किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस से छात्रों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, और हमने देखा है कि इस पूरे ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रक्रिया चली इस पूरे टाइम पर, उसमें कुछ ही छात्र हैं जो क्लासेस कर पाए, जिनके पास अच्छा मोबाइल फ़ोन है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर देश भर से छात्र आते हैं, गांव-गांव से छात्र आते हैं, बिहार, झारखंड और अलग अलग जिलों से, राज्यों से छात्र आते हैं। हर जगह पर इंटरनेट की वो सुविधा नहीं है, लोगों के पास वो माहौल नहीं है, घर पर वो माहौल नहीं होता है कि छात्र पढ़ पाएँ। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर एक ज़रूरत थी, लेकिन अब एक ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। अब जहाँ पर देश भर में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, सब कुछ खुल चुका है, मॉल्स खुल चुके हैं और सारे मार्केट्स खुल चुके हैं, सब कुछ हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ भी पब्लिक है। दिल्ली में ही हम देख रहे हैं कि तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने फेज़ वाइज रीओपनिंग कर दी है, DU ने फेज़ वाइज रीओपनिंग कर दिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ओपन हो चुका है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुका है। दिल्ली में सिर्फ अकेला जामिया मिल्लिया इस्लामिया है जो अभी तक लॉकडाउन मोड में चल रहा है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि जामिया को भी बहुत जल्दी से ही रीओपन किया जाए और जो छात्रों को दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें ना हो। हमारे पास यही डेमोक्रेसी में हमारे पास एक टूल यही होता है कि हम प्रदर्शन करें, डिमॉन्स्ट्रेशन करें और उसके ज़रिए से अपना एहतजाज जो है दर्ज कराएं गवर्नमेंट के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने। तो हम ये तरीका अपना रहे हैं, इसको और बड़े लेवल पर करने की कोशिश की जाएगी, और अगर हमारे डिमांड्स नहीं पूरे गए, कैंपस नहीं खोला गया, तो इसको और बड़े लेवल पर ज़रूर किया जाएगा। और ये न सिर्फ जामिया कैंपस में बल्कि इसका इस्पार्क हमारी कोशिश है कि अक्रॉस इंडिया तमाम कैंपसेज में पहुँचाई जाए, क्योंकि ये दूसरे बिजनेसेस अगर चल सकते हैं तो क्यों सिर्फ शिक्षा के ये संस्थान बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर, एस्टेब्लिशमेंट पर। मुझे लगता है कि जामिया वीसी जो है उनको एक अच्छा मोटिव मिल गया है, वो कोविड की आड़ में आके कैंपस को बंद रख रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ जा रहा है हमारा जो कैंपस जो क्लोज हुआ था कोविड के टाइम पे, क्योंकि इन्हें डर है कि एक बार अगर कैंपस खुल जाए तो क्या पता स्टूडेंट्स जो है वो वापस से कहीं ग्राउंड पे आके प्रोटेस्ट ना करें, अपनी मांगों को लेके उनके पास ना जाए। और जो हमारी जामिया वीसी है वो इस चीज़ से बहुत बचती है, वो इस चीज़ से बचती है कि बच्चे जो है मेरे पास ना आए, वो अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पल्ला झाड़ना चाहती है, और यही रीज़न है कि वो कैंपस को बहुत डिले कर रही है ओपन करने में। ये हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये सोच रहा है कि हम ऑनलाइन में कुछ भी करेंगे और ऑनलाइन में छात्र बोलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं, छात्र दिल्ली में है, बहुत सारे छात्र दिल्ली में हैं, चाहे वो 10 छात्र ही दिल्ली में क्यों ना हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज लाता है हम उसका विरोध करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अगर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन इस गलत फहमी में ना कि ऑनलाइन में फिर कुछ होगा नहीं, ऑनलाइन में हम करते रहेंगे, स्टूडेंट घर पर बैठ के बस सोचता रहेगा, हद से हद सोशल मीडिया पर लिखेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, छात्र आएगा बोलेगा यहाँ पर भी,
जब कैंपस में भी सब कुछ खुल रहा है, कैंपस में जब कुछ ही दिन पहले लाइब्रेरी में एक फंक्शन हो सकता है, कैंपस के अंदर शूटिंग हो सकती है, तो छात्रों को क्यों नहीं बुलाया जाता? इस कैंपस में किसी डायरेक्टर का, किसी फिल्म एक्टर से ज़्यादा हक, उनका तो कोई हक नहीं है इस कैंपस में। हक अगर इस कैंपस में किसी का है तो यहाँ के छात्रों का है, जो यहाँ एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस पास करते हैं, एडमिशन लेते हैं और फीस देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी समस्याएं हैं, इनइक्वालिटी है वेल्थ का आप जानती ही हैं, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी हर शख्स को वैसे नहीं हासिल है, ये तो पूरी दुनिया जानती है इंडिया में, और ख़ासतौर पर स्टूडेंट जो गरीब स्टूडेंट है, जो पिछड़े तबके का स्टूडेंट है, जो मार्जिनलाइज तबका है, आप स्टूडेंट्स को क्यों और पीछे ढकेलना चाहते हैं और जो इनइक्वालिटी है उसको पाटने के बजाय, उसके ब्रिज को कम करने के बजाय आप और ज़्यादा वाइड करना चाहते हैं? आप जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लिख करके एक साथ आगे बढ़ते, तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पास एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है टेक्नोलॉजी की, या अगर है भी तो उनके यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो ये सब बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनको सामने रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और अभी तो हर हाल में खोल देना चाहिए कैंपसेस को स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। उनको दिक्कतें सवालों से हैं कि छात्र आएगा तो सवाल करने लगेगा, वो सवाल करेगा कि सर्टिफिकेट कोर्सेज क्यों ख़त्म कर दिए गए, वो सवाल करेगा कि एमफिल क्यों ख़त्म कर दिया गया, वो सवाल करेगा कि किसी कोर्स में अगर फीस बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, और जो धांधली है एडमिशन के टाइम पर, इन लोगों ने रैंक लिस्ट नहीं निकाला, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारे सवाल हैं, तो क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं, तो ये चाहते हैं कि जितना लंबा टाला जाए ये टाल दिया जाए, जितना इनको टाइम चाहिए ना, तो ये कि लॉकडाउन मोड में बस स्टूडेंट्स आए, एडमिशन लें, एग्ज़ाम दें, वो क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उससे सबसे इनको कोई मतलब नहीं। छात्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, इस मांग के साथ कि यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि वो आकर यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ले सकें और कैंपस में आकर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अब देखना ये होगा कि क्या छात्रों की मांग जो जामिया प्रशासन है वो सुनता है या नहीं। कैमरा पर्सन प्रभात कुमार के साथ मुकुल सिंह चौहान, दीवार के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।